नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो ट्रेनों में चेकिंग स्टाफ का नाम बताकर यात्रियों से ठगी करता था और उनका सामान गायब कर दिया करता था। पुलिस को लगातार इस शख्स की तलाश थी। जीआरपी पुलिस और आरपीएफ पुलिस ने मिलकर एक टीम बनाई और इस शख्स की तलाश में जुट गई। पता शादी के बाद ये शख्स जबलपुर के मदन महल स्टेशन के पास पकड़ा गया है। पंकज चौकसे नाम का ये युवक होशंगाबाद जिले का है और ये रेलवे की एक कैंटीन में वेंडर का काम करता था। जीआरपी थाना प्रभारी सुनील नेमा ने बताया कि ट्रेन में चढ़ते वक्त और ट्रेन में बैठे यात्रियों को चेकिंग के नाम पर उनसे रुपए मांगता था और उनका सामान चुरा कर फरार हो जाता था। जीआरपी पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी पंकज चौकसे पर होशंगाबाद थाने में आपराधिक मामले दर्ज है। उससे कुल रकम 27,000 नगद बरामद की है। इस पूरे मामले में चौकी प्रभारी मदन महल राजेश राज की अहम भूमिका रही। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये पिछले कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि ट्रेन में कोई एक व्यक्ति जो अपने आप को चेकिंग स्क्वाड का आदमी बता के भोले भाले यात्रियों से ठगी कर रहा है, उनकी तलाशी के बहाने और उनके पैसे गायब कर देता है। ये चलती ट्रेन में ऐसे लोगों को निशाना बनाता है जो अधिक उम्र के और भोले भाले लोग रहते हैं, चूना तंबाकू का उपयोग करते हैं। ये व्यक्ति उनको ये चेकिंग का और चालान हो जाने का भय बता के और उनकी तलाशी के बहाने उनके रुपए तलाशी के दौरान गायब कर देता था। ऐसी शिकायतें पिछले कुछ दिनों से प्राप्त हो रही थी, तो इन शिकायतों के आधार पर इसकी आरोपी की तलाश के लिए जीआरपी और आरपीएफ का एक संयुक्त दल बनाया गया और इसकी तलाश की गई। जो हुलिया जानकारी मिल रही थी, उस हुलिया के आधार पर ये व्यक्ति जिसका नाम पंकज चौकसे है, होशंगाबाद का रहने वाला है, मदन महल रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने कई अपराध करने स्वीकार किए, जिसमें प्रमुख रूप से पिछले साल इसने जनता एक्सप्रेस में एक व्यक्ति की तलाशी के दौरान 20,000 रुपये उसके गायब किए। अभी दिसंबर के महीने में इसने एक व्यक्ति से 17,000 रुपये गायब किए और अभी 5 दिन पहले ही इसने महानगरी एक्सप्रेस में एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से 10,000 रुपये गायब किए। इन सभी पूछताछ के बाद इससे ये जो ठगी हुई रकम है ये जब्त की गई है। 3 प्रकरण में 27,000 रुपये इससे बरामद किए गए हैं। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि ये इटारसी में पहले रेलवे कैंटीन का वेंडर रहा है और इसके खिलाफ होशंगाबाद थाने में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।